News 18, India. और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सरकार और किसानों के बीच पांचवी बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि आज ही पांचवें दौर की बैठक हो सकती है, किसानों को आज ही मिल सकता है अगली मीटिंग का समय भी। तो एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, सरकार और किसानों के बीच पांचवी बैठक हो सकती है और आज ही ये बैठक हो सकती है। आपको बताएं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, सरकार की पूरी पूरी कोशिश है किसानों को मना लिया जाए या उनकी टर्म्स एंड जो कंडीशंस हैं किस तरीके से नेगोशिएट करना है, इस मीटिंग के जरिए समाधान निकाला जाए। पांचवी बार ये बैठक हो सकती है, इससे पहले सरकार और किसानों की चार बार बैठक हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आज ही पांचवी दौर की ये मीटिंग हो सकती है, किसानों को आज ही अगली मीटिंग का समय भी दिया जा सकता है। सरकार और किसानों के बीच पांचवी बैठक से हल निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि किसान दिन पर दिन और ज्यादा अग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। और शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी जो है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और तमाम जो किसान हैं वो और अग्रेसिव हो रहे हैं, और ऐसे में इस अग्रेशन का क्या असर देखने को मिलेगा, हम सीधा रुख करेंगे मानव का। मानव, आज ही पांचवी बैठक संभव बताई जा रही है किसानों और सरकार के बीच में, क्या उम्मीद दिखाई दे रही है, क्या हल निकल सकता है, मानेंगे किसान? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पांचवी बैठक हो सकती है शाम को आज चंडीगढ़ में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको ताजा अपडेट दे देता हूँ। हरियाणा पुलिस की तरफ से एक बार जोरदार आंसू गैस यहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया गया है। हाँ। ये ताजा अपडेट है यहाँ से, और सीधा तस्वीर आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। बैठक अगर हो तो सब यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई समाधान निकले, लेकिन बैठक शाम को होनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आंसू गैस छोड़ी गई है, क्योंकि किसान लगातार आगे बढ़ने पर आमादा है, उनको दिल्ली कूच करना है, इसलिए यहाँ पर अब हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस को छोड़ा गया है, थोड़ा विराम दिया गया है, और अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसान थोड़ा सा भागने यहाँ पर भागते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस बैठक की हम बात कर रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से जानकारी जरूर आई है, और क्योंकि 11 बजे के आसपास दिल्ली कूच शुरू होना था, अगर बैठक होती है तो शायद शांतिपूर्ण तरीके से कोई समाधान निकले, जैसा कि हाँ, लेकिन रवैया कुछ और किसानों का दिखाई दे रहा है मानो हमें। लेकिन न्यूज 18 के पास ये जानकारी है कि सरकार का बड़े से बड़ा नेता समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है, और उस समाधान का ही ये कदम अब देख पा रहे हैं हम कि पांचवी बड़ी मीटिंग होने वाली है। लेकिन ऐसे में क्या किसानों को नहीं चाहिए कि सरकार की भी बात सुने? हाँ देखिए, शायद किसान सरकार की बात सुन रहे हैं, शायद इसीलिए अब तक चार दौर की बैठकें हो चुकी हैं, और हमने देखा कि जब तीसरी और चौथी बैठक हुई थी तो उस दौरान किसानों की तरफ से भी और हरियाणा पुलिस की तरफ से भी जितने भी जो प्रशासन के लोग हैं उन सभी लोगों की तरफ से संयम काफी बरता गया था। और चौथी बैठक जब हुई तो उसमें सरकार ने बकायदा एक प्रस्ताव किसानों को दिया, किसान उस प्रस्ताव से खुश नहीं हुए, तो सरकार से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत के लिए किसानों ने 21 फरवरी सुबह 11 बजे तक का समय मुकर्रर किया था, और अब वो समय आ चुका है। किसान अभी भी ये कह रहे हैं कि सरकार हमसे बातचीत करती है तो हम बातचीत करने जाएंगे, हम अपने प्रोटेस्ट को यहीं पर स्टैंड बाय करेंगे, यहीं पर रोकेंगे, और जब तक बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि एक डेडलाइन थी सुबह 11 बजे की 21 तारीख की, वो डेडलाइन अब पूरी हो गई है, तो अब किसान शायद दिल्ली कूच करें। लेकिन अगर इसी बीच अगर बैठक की खबर आती है तो ये आंदोलन आज यहीं पर एक तरीके से स्टैंड बाय मोड में। तस्वीरें एक तरफ हम दिखा रहे हैं तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सरकार की तरफ से ही बार बार बातचीत का प्रस्ताव आया, पांचवें दौर की बैठक होगी, और इससे ये समझा जा सकता है कि तीन तीन केंद्रीय मंत्री बैठक में मौजूद रहते हैं। सरकार समाधान चाहती है, और सरकार ने हमेशा कहा है, चाहे हम कृषि मंत्री की बात करें, वो कह रहे हैं कि सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं और कोई भी समाधान हो सकता है, लेकिन समाधान तभी निकलेगा जब चर्चा होगी, जब संवाद होगा। और इस बीच दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया, ये शंभू बॉर्डर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और स्थिति ज्यादा ना बिगड़े, स्थिति नियंत्रण में रहे, क्योंकि किसानों को यह समझना चाहिए कि उनका संवैधानिक कर्तव्य भी है देश के प्रति भी। ऐसे में जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कल चिंता व्यक्त की थी कि अगर विरोध का अधिकार है, किसानों को विरोध करना है, तो वो दिल्ली जाएं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होना चाहिए, बस के जरिए वो दिल्ली जाएं, ऐसे जेसीबी पोकलेन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मानव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, सरकार का रवैया इसको लेकर के हमेशा से सकारात्मक रहा है, पांचवें दौर की बातचीत होने वाली है, और कैसी भी स्थिति हो ये सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि संवाद के जरिए ही समाधान निकलेगा।